हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो K10 5G में डुअल अप सेटिंग कैसे करेंगे। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में ना, सो गाइज सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन ऐप क्लोनर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके फोन के सारी ऐप्स आ जाएंगी, जिन ऐप्स को आप डुअल ऐप के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरे को फेसबुक को डुअल ऐप के लिए यूज करना है, सो फ्रेंड्स मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ऐप क्लोन का। सो फ्रेंड्स ये हमारा डुअल ऐप सेटिंग। सो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने के बाद मैं इस ऐप को डुअल ऐप के लिए यूज कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप डुअल ऐप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपकी जो भी ऐप क्लोन होगी आप उसका रीनेम भी कर सकते हैं। आप उसका नाम चेंज करके दूसरा नाम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम ऐप क्लोन का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उसका नेम चेंज करके दूसरा नाम सेट कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से आप डुअल ऐप सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे फोन में 2 फेसबुक ऐप हो गई है। सो गाइज इस तरीके से आप डुअल ऐप सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।